नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। जिस प्रकरण का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास जाने का। क्यों? क्योंकि यहीं के बाद असली रामायण चालू होती है। अब तक तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन के सुख देखे हमने, अब देखेंगे दुख में सुख किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ढूंढ के पूरी समग्र संसार को सिखाते हैं। और जिस तरीके से एकदम विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी एकदम धीर गंभीर रूप से खड़े मिले कि हाँ बस इतनी सी बात के लिए इतना बतंग पहले बताना तो मैं पर्सनली चला जाता, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं था। अब जिस प्रकार से उन्होंने ये सभा में संबोधित किया है वो शब्द सुनकर जो है सभी हैरान है, थी सभा संग सब लोग खड़े खड़े। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं 14 वर्ष का वनवास लिखा है मेरी नियति में, राज सिंहासन नहीं, तो यहाँ से पूरा पलट गया है इमोशन। और इतने इमोशंस आ गए हैं क्योंकि लक्ष्मण जी हैं, उनके इमोशन, उनकी दोनों माताएं वहाँ खड़ी हैं, तीसरी माता ने धर्म पत्नी का मजा मांगा है, जो सालियां हैं उनका इमोशन, कई लोगों के इमोशन साथ में जुड़ेंगे। और जिस प्रकार से गुरुदेव ने कहा कि समस्त जनता प्रजा आपका इंतजार कर रही है प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा बनते हुए देखते हैं, उनको कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं जनता का पुत्र हूँ, पिता नहीं सेवक हूँ, अधिकारी नहीं, तो मैं उनको समझा ले जाऊंगा। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की बात को मान लेता है, उसी तरीके से जनता भी जो है वो मेरी बात सुने मान लेगी सुन। चलिए देखते हैं प्रभु जी किस प्रकार से दरबार से बाहर निकलकर जनता के सामने अपने आप को स्वयं को संबोधित करते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड 109 पार्ट 2। मैं जानता हूं आप सभी ने वर्षों प्रतीक्षा की उस क्षण की जब मैं आप सभी के राजा बनने का उत्तरदायित्व स्वीकार करूंगा, किंतु आज आप सभी के समक्ष ये सूचित करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि किसी कारणवश आज ये राज्य अभिषेक संपन्न नहीं हो सकेगा। और ना ही मैं आप सभी का राजा बन सकूंगा। आप सभी से प्रार्थना है, आप निराश ना हो। आप सभी ने सदैव मुझ पर इतना विश्वास रखा है, तो आज भी विश्वास करें। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और इसमें अयोध्या का हित निहित है, और इसको मेरी संपूर्ण स्वीकृति भी है। राज्य और प्रजा की सेवा करने हेतु शीश पर मुकुट अनिवार्य नहीं, ये उत्तरदायित्व तो मैं तब भी निभा रहा था जब पिताजी ने मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। और स्मरण रहे, इक्ष्वाकु वंश में आज तक जो भी निर्णय लिए जाते रहे हैं वे केवल राज परिवार के कल्याण हेतु नहीं अपितु समस्त मानवता को लाभान्वित करने हेतु लिए जाते रहे हैं।
यही परंपरा रही है और यही परंपरा रहेगी, और इसके लिए जो भी निर्णय आवश्यक है मैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करता हूं। और इसीलिए मेरी इच्छा है कि अपने कुल की इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए मुझे आप सभी का आशीर्वाद और स्वीकृति प्राप्त। श्री रामचंद्र की, 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 श्री रामचंद्र की। अब आप सभी अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। सबसे अधिक प्रेम करती हो, जिसे तुम्हारे स्वाग का रक्षक होना चाहिए था, दुर्भाग्य से भक्षक बन बैठा। तुम्हारा भाई लंकेश, दुनिया उजाड़ दी तुम्हारी, विधवा बना दिया तुम्हें। मेरे भैया ने? हाँ, तुम्हारे प्यारे भैया ने तुमसे भेंट करने का ढोंग करके हमारा विश्वास प्राप्त किया, और हमारे विश्वास का ये परिणाम दिया है उसने। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। मेरे इस विश्वासघात का मूल्य चुकाना होगा। उठिए महाराज, अब शोक किस बात का? सुना नहीं आपने राम ने क्या कहा? बस मां, इतनी सी बात। अब आपके पास अधिक समय नहीं है, आपको भरत के राज्याभिषेक की तैयारियां करनी है, भव्य समारोह की तैयारियां करनी है। क्या कहते ही? हाँ दीदी, इसीलिए वो राज्याभिषेक में नहीं आई। अपने अंदर का विष उगलने के लिए उन्हें आज का ही दिन मिला था। देखा,
मैंने तुमसे कहा यदि राम चला जाएगा मेरे प्राण चले जाएंगे, पर तुम इतनी कठोर हो के गई, इतनी कठोर हो, तुमने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया। तुम अपनी माँ जैसे नहीं बनना चाहती थी, किंतु आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम उतनी ही स्वार्थी हो जितनी तुम्हारी माँ थी, और जिस तरह तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ का परित्याग किया था, आज उसी भांति मैं तुमसे अपने सारे संबंध तोड़ देता हूं। पता नहीं क्यों मुझे आभास था कि कैकेयी दीदी ऐसा ही कुछ न कर बैठे, और वही हुआ। स्वागत की तैयारी करो, भरत को राजा बनाने की तैयारी करो, क्यों ऐसे पड़े हुआ, इस समय शोक का नहीं है, उत्सव की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। राजा दशरथ जी ने परित्याग कर दिया है रानी कैकेयी, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि चाहे पूरी अयोध्या मुझे अधर्मी कह दे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस रीति को बदलना पड़ जाए, लेकिन मैं प्रभु श्री राम जी को रोक कर रहूंगा। देखते हैं, यानी कि राज्य तो मैंने भरत जी को दे दिया, लेकिन जो 14 वर्ष का जो वनवास है वो मैं जाने नहीं दूंगा, वो नहीं जाने। देखते हैं कि किन शब्दों के इस्तेमाल से प्रभु श्री रामचंद्र जी को रोके जाने की कोशिश होती है। कोशिश होती है, क्योंकि उन्होंने तो निर्णय ले ही लिया है। पुत्र वो हमें अंधे हो गए हैं तुम्हारे पिता, वाह लाइनें बड़ी बेहतरीन थी, दिखा भी रहे हैं छोटे छोटे सीन में कि किस प्रकार से वो बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलेगी। चलिए फिलहाल मित्रों इस एपिसोड को करना होगा हमें यहीं समाप्त, शीघ्र ही मिलते हैं हम नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।